भगवान है या नहीं, अगर है तो कहाँ है। आइए इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। ये सच्ची घटना है जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा सेक्टर की। इंडियन आर्मी के 15 जवान अपने मेजर के नेतृत्व में हिमालय की ऊंचाइयों में बनी आर्मी पोस्ट जा रहे थे। अगले 3 महीनों तक उन्हें ऐसी आर्मी पोस्ट में रहना था। सर्दी का मौसम था और बीच बीच में बर्फ पड़ने की वजह से कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। इससे इन बर्फीले रास्तों पर सफर और भी मुश्किल हो गया था। सफर के बीच मेजर के मन में ख्याल आया, काश एक कप चाय मिल जाती तो बड़ी राहत होती। लेकिन वो काश कह के रह गए, क्योंकि यह देर रात का समय था और इतनी ठंड में कौन दुकान खोलेगा। 1 घंटे ऐसे ही पैदल चलने के बाद ये काफिला सुनसान में बनी छोटी सी दुकान के पास रुका, जो कि चाय की दुकान लग रही थी। दुकान पर ताला पड़ा हुआ था। मेजर ने कहा, जवानों चाय तो किस्मत में नहीं, थोड़ा आराम कर लो यहाँ पर। सेना की इस टुकड़ी ने करीब 3 घंटे पहले सफर शुरू किया था। उन्हीं में से एक जवान बोला, सर ये चाय की दुकान है, हम चाय बना सकते हैं, बस ये ताला तोड़ना होगा। आर्मी मेजर सोच में पड़ गए। ये तरीका तो गलत था, लेकिन ठंड में थके सेना के जवानों को एक कप से बड़ी सहायता मिलती, ये सोचकर उन्हें हाँ कह दिया। किस्मत तो उनकी साथ थी। दुकान में चाय बनाने का सब सामान और बिस्कुट के कुछ पैकेट भी थे। फटाफट गर्म चाय बनी। चाय बिस्कुट से तरोताजा होकर आर्मी के जवान आगे बढ़ने को तैयार थे। मेजर ने सोचा, उन्होंने दुकान तोड़ी है और बिना दुकान के मालिक की आज्ञा के चाय बिस्किट लिए हैं। लेकिन हम कोई चोर मंडली नहीं है, हम तो इंडियन आर्मी की सोल्जर है। मेजर ने 1000 रुपए पर्स से निकाले और दुकान के काउंटर पर एक डिब्बे से दबा कर रख दिए, ताकि चाय वाले को सुबह आने पर आसानी से मिल जाए। मेजर अब इस दुख से आजाद हुए कि उन्होंने गलत किया। उन्होंने दुकान के दरवाजे बंद कर आगे बढ़ने का आदेश दिया। 3 महीने का समय बीता। आर्मी की इस टुकड़ी ने बड़ी जिम्मेदारी और सजगता से आर्मी पोस्ट पर ड्यूटी निभाई। सबसे अच्छी बात यह थी कि इस दौरान हुई कई झड़पों के बावजूद सभी सही सलामत थे। अब समय आ गया था कि अगली टीम उनकी जगह लेने आए। वो दिन भी आ गया। उस टुकड़ी ने आर्मी टुकड़ी को जिम्मेदारी सौंपी और वापसी को निकल पड़े। संयोग से वो फिर से उसी दुकान पर रुके। इस बार दिन का समय था, दुकान खुली थी और चाय वाला मौजूद था। चाय वाला एक बूढ़ा व्यक्ति था। इतने सारे ग्राहकों को एक साथ देखकर वह बहुत खुश हुआ। सभी को उसने चाय बनाकर पिलाई और नाश्ता दिया। मेजर चाय वाले से बात करने लगा। मतलब वो कह रहा था, कब से ऐसे सुनसान जगह पर दुकान चला रहे हैं आप? बूढ़ा अपने अनुभवों और कई कहानी को बताने लगा। बूढ़े की हर कहानी में भगवान का एहसान जताना था और विश्वास की बात ज्यादा थी। एक जवान बोल पड़ा, अरे बाबा, अगर भगवान हर जगह है तो उसने आपको इतना गरीबी में क्यों रखा है? ऐसा मत बोलो साहब, भगवान वाकई हर जगह में है, मेरे पास सबूत है, चाय वाले ने कहा। अभी 3 महीने पहले की बात है, बड़ा बुरा समय चल रहा था। मेरे इकलौते बेटे को आतंकवादियों ने कुछ जानकारी पता करने के लिए बुरी तरह से मारा था। ऐसी जानकारी जो उसे पता ही नहीं थी। मुझे दुकान बंद करके लड़के को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। दुकान कई दिन तक बंद रही और उधर दवाइयों इलाज के खर्चे के लिए मेरे पास पैसे खत्म हो गए थे। आतंकवादी के डर से लोग भी मुझे उधार देने से बच रहे थे। मैं बड़ा निराश हो गया था और कोई उम्मीद भी नहीं थी। साहब, उस दिन मैंने भगवान को याद किया और मदद के लिए प्रार्थना की, और वाकई भगवान उस दिन मेरे दुकान पर आए। अगले दिन सुबह जब मैं दुकान पर लौटा तो क्या देखता हूँ कि दुकान का ताला टूटा पड़ा है। मेरी तो सांसें ही रुक गई। लगा कि सब खत्म हो गया, जो थोड़ा बहुत था वो भी चला गया। तभी मेरी नजर काउंटर पर पड़े डिब्बे पर पड़ी, जिसके नीचे 1000 रुपए रखे थे। आप अंदाजा नहीं लगा सकते उस दिन मेरे लिए उन रुपयों की क्या कीमत थी। भगवान होते हैं साहब, बिल्कुल होते हैं। चाय वाले की आंखों में गहरे विश्वास की चमक थी। सभी जवानों की आंखें मेजर की आंखों से मिली। मेजर समझ गए और इशारे में ही सबको आदेश दिया कि कोई कुछ नहीं बोलेगा। मेजर साहब उठे, चाय का पैसा दिया और बूढ़े से हाथ मिलाकर बोले, सही कहते हो बाबा, वाकई भगवान होते हैं, और हाँ, चाय के लिए शुक्रिया, आपकी चाय बहुत अच्छी थी। सभी जवानों की आंखें मेजर की आंखों से मिली, जो कि थोड़ा नम हो चली थी। पहली बार उन्होंने अपने मेजर की आंखें नम देखी। सेना के जवानों के लिए उस रात वो दुकान भगवान की कृपा बनी और अगली सुबह बूढ़े चाय वाले के लिए मेजर साहब खुद भगवान का रूप बने। आपके साथ भी कभी ऐसा जरूर हुआ होगा दोस्तों, आपको भगवान की बहुत जरूरत आन पड़ी होगी, और आपके लिए भगवान किसी न किसी रूप में आए होंगे। भगवान हर जगह हैं, और ये भी सच है कि कई बार आप ही किसी के लिए भगवान का रूप बन सकते हैं। अगर आप कभी भी किसी भी मौके पे कैसे भी मदद कर सकते हैं तो जरूर करें। आपको अंदाजा भी नहीं होगा कि कभी कभी आपकी छोटी सी मदद किसी के लिए खुशियों का समंदर बन सकती है। ऐसी कहानियों को सब तक पहुंचाना चाहिए, ताकि कोई भी इंसान अपने आप को अकेला महसूस ना करे और भगवान पे विश्वास और गहरा सके। ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस के लिए जुड़े रहे हमारे पेज के साथ। धन्यवाद।